तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं फोन की स्क्रीन पर, और अब चलिए आपको लेके चलते हैं लेज़ीपे के एप्लीकेशन पर, और वहां पर आपको बता दें कि कैसे इसका अकाउंट डिलीट करना है। तो इधर आप देख पा रहे, ये हमारा लेज़ीपे का एप्लीकेशन, इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा पूरा जो इसका मेन इंटरफेस है, कुछ इस तरीके से ओपन होकर आता है। और अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका कोई भी रीज़न हो इसका अकाउंट परमानेंटली डिलीट करने का, आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से डिलीट कर पाएंगे। और इसको डिलीट करने का तीन तरीका आपको दिया गया है, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ करने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल में आ जाना है। यहाँ आपको प्रोफाइल दिख रहा होगा, और प्रोफाइल में आने के बाद जो भी आपका लिमिट होगा आपका लेज़ीपे में देखेंगे आप, वहाँ पर इतना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका जितना लिमिट होगा उतना यहाँ पर रहना चाहिए, यानी कि आपने कोई पैसा नहीं निकाला होना चाहिए, आपका कोई भी ड्यू नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका पूरा का पूरा जो लिमिट है वो उसमें होना चाहिए, आपने पैसा वैसा नहीं निकाला होना चाहिए, तभी डिलीट हो पाएगा। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप इसका अकाउंट डिलीट करो। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर हेल्प में, आपको इस हेल्प वाले पर क्लिक करना है। हेल्प वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। अब आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर अभी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे लेज़ीपे के KYC चार्जेस फी, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है सी ऑल वाले पर। ठीक है, जैसे आप इस सी ऑल वाले पे क्लिक करेंगे अभी आपके सामने देखिए बहुत सारे ऑप्शन और भी ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसे थोड़ा सा ऐसे नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद अभी आप देख पा रहे हैं ये वाला ऑप्शन जो आपको मिल रहा है अदर्स वाला, आपको इस अदर्स वाले पर क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं बट हमें अकाउंट डिलीट करना है तो वो ऑप्शन जो है मिलेगा इसी अदर्स वाले में, तो हमें सिर्फ इस अदर्स वाले पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे और भी ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि हमको चाहिए, आई वॉन्ट टू डिलीट माई अकाउंट परमानेंटली। इधर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिख के आ रहा है आपके सामने, आई वॉन्ट टू डिलीट माई अकाउंट परमानेंटली। ठीक है, तो सिंपल सा आपको बस क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अभी आपके सामने आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बोल रहा है कि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करवा सकते हैं या परमानेंटली डिलीट करवा सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ये कॉल करके इस वाले नंबर पर, ठीक है, दूसरा इस वाले जीमेल आईडी पर आपको मेल करना होगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है फिलिंग द फॉर्म बिलो, और वो फॉर्म का लिंक यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर तीसरा वाला मेथड फॉलो करने वाले हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर फॉर्म वाला ऑप्शन चूज करेंगे, फॉर्म फिल करके जो है अपने लेज़ीपे के अकाउंट को डिलीट करके आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि कॉल अभी लगेगा सुबह के 10 बजे से, बट अभी टाइमिंग हो रहा है 7:30 बजे सुबह का, तो अभी ये काम नहीं करेगा। मेल वाला भी बहुत लेट रिस्पॉन्स आता है, तो सबसे अच्छा ये फॉर्म वाला, आप इसको यहाँ पर बस एक बार भर के छोड़ दीजिए, आपको डिलीट हो जाएगा। मेल वाले में आपको 2-3 बार रिप्लाई करना पड़ता है, कॉल वाले में आपको 10 बजे करना पड़ेगा कॉल। इससे अच्छा ये मेल वाला बता दूँ जो कि फॉर्म वाला, और ये सबसे आसान भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको साथ यहाँ पर आपके अकाउंट के साथ क्या होगा, वी विल डिलीट ऑल द डेटा अपार्ट फ्रॉम द वन रिक्वायर्ड फॉर RBI कंप्लियंस पर्पज। देखिए जो RBI को डेटा चाहिए उसको छोड़कर ये सब लोग ये तो यहाँ पर देखिए ये लोग RBI को कुछ डेटा ये लोग देते हैं सब कस्टमर का, उस डेटा को छोड़कर ये लोग सारे डेटा को डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर मतलब आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा और लिमिट विमिट सब चीज़ हट जाएगी। बाकी आपका जो कुछ चीज़ें होती हैं जो RBI और इन लोग के बीच में होता है, तो वो सेक्रेट चीज़ें होती है, वो पर्सन को नहीं पता होती है, वो लोग यहाँ पर वो लोग नहीं डिलीट करेंगे, बट आपका अकाउंट नहीं लगेगा, मतलब आपका अकाउंट तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस फॉर्म वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप इस फॉर्म वाले पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल के आएगा, और ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा, देखिए आपको वेबसाइट पे, और क्रोम ब्राउजर अगर आप पर होगा तो वो उसी पे भेजेगा। ठीक है, कोई भी ब्राउजर इस्तेमाल करते होंगे तो उस पे वो भेज देगा। ठीक है, अभी अकाउंट डिलीट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम देना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, और यहाँ पर अपना जीमेल आईडी देना है। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी वही देना है जो लेज़ीपे के अकाउंट में लिंक होगा। ठीक है, तो चलिए ये सारी डिटेल मैं फिल करता हूँ। यहाँ पर आपको नाम इस तरीके से दे देना है जो भी आपका नाम होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर भी आपको इंटर कर लेना है, उसी तरीके से आपको जीमेल आईडी भी अपना इंटर कर देना है। जीमेल आईडी भी हमने इंटर कर लिया है, उसके बाद अब यहाँ पर हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने ऑप्शन क्या ओपन होके आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ओपन होके आ रहा है मेक श्योर ऑल योर डिटेल्स आर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेलेक्ट रीज़न फॉर डिलीटिंग अकाउंट, आप किस रीज़न से जो है अपना यहाँ पर अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। तो पहला रीज़न है रिमूव द अकाउंट फ्रॉम सिविल सोइंग एज पर PL इशू विथ चार्जेस लो क्रेडिट यूजिंग अनदर नंबर यूजिंग अदर ऐप या फिर अदर्स।
कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, मेरे को अपने सिविल स्कोर से या फिर सिविल रिपोर्ट से इसको रिमूव करना है, तो मैं सिर्फ सिंपल सा पहला वाला कर लेता हूँ। आप यहाँ पर ये वाला भी चूज कर सकते हैं, कोई सा भी चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है डिलीट अकाउंट का, आपको सिंपल सा क्या करना है, इस डिलीट अकाउंट वाले पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो ये वाला अकाउंट है वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिलीट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इधर आप देख पा रहे हो ओटीपी हम लोग का 7578 13, ठीक है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने ओटीपी भी इंटर कर लिया है। अब हमको यहाँ पर लास्ट स्टेप है ये वाले पे, हमको कंफर्म करना है। जैसे यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे आपका यहाँ पर जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो अकाउंट डिलीशन रिक्वेस्ट सबमिटेड, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं व्हेन वी विल नोटिफाई यू वंस योर अकाउंट इज डिलीटेड। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपका अकाउंट जब डिलीट हो जाएगा हम आपको वेरीफाई कर देंगे, सॉरी नोटिफाई कर देंगे। और यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना, ओके गॉट इट पे क्लिक कर। तो अभी आप देख पा रहे हो कि हमको जो लेजीपे की तरफ से मेल आया हुआ है वहाँ पर आप देखिए अभी 7:24 पर, ऊपर आप टाइम देखिए 7:25 पर, 1 मिनट पहले आया हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे लिखा है कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, और यहाँ पर हमको एक टिकट नंबर दिया गया है, और यहाँ पर हमको ये टिकट नंबर दिया गया और साथ में बताया गया है कि मंडे टू संडे यहाँ पर आप जो है यहाँ पर हम लोग का काम होता है, और यहाँ पर आपका जो ये प्रोसेस है अकाउंट डिलीट करने का वो यहाँ पर ले लिया गया है। बाकी मैं आपको दिखा दूँ एक बार लेजीपे का एप्लीकेशन ओपन करके, तो इधर अभी आप देखिए कि इसको मैं एक बार पूरा बंद करके फिर से ओपन करता हूँ। तो जब ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लॉग आउट हो जाएगा। अभी प्रोफाइल पे क्लिक करने पर जैसा कि यहाँ पर अभी ये शो कर रहा है, ये सारी चीज़ कुछ शो नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिक साइन आउट हो जाएगा, और जो आपका ये लेजीपे का अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अगर कुछ इस तरीके से आपको भी अपने लेजीपे के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है, मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे दी है। तुरंत अकाउंट डिलीट नहीं होता तो आपको 24 से 48 घंटा वेट करना पड़ेगा। 24 से 48 घंटे में आपको फिर से एक मेल आएगा, जैसे कि अभी आपको मैंने पीछे मेल दिखाया है, और जो आपका लेजीपे का अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर जो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे दी है, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इस वाले वीडियो से हेल्प हुआ यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।